अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रीब राशिद और मैं 20 साल का हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानती हो कि आज को मेरा सबसे पहला कॉलेज का दिन है, 10 जनवरी 2023 है। तो अभी दोबारा जो है ये कॉलेज के दिन शुरू हो गए, तो मेरा मतलब ये ऑब्वियसली इसी दिन को ही शुरू होने थे। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर बस में बैठा हूँ, तो जैसे कि आप देख ही सकते, तो इतने दिनों बाद मेरा मतलब महीनों बाद नहीं यहाँ ब्लॉग बना रहा, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है, क्योंकि आखिरी बार जब मैंने बस में शायद ब्लॉग बनाई थी अराउंड मई या जून पिछले साल। चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों मुझे भी छुट्टी हो गई है, तो अभी बारिश हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो फ्लोर है वो गीला हो गया और मेरे ऊपर अभी छींटे भी पा रहे हैं बारिश के। तो अभी लाइक जनवरी में बहुत रेयरली बारिश होती है, मतलब इतनी बारिश नहीं होती जनवरी वाले महीने में। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा सर्दी हो गई है जब बारिश होती है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पर घर के पास पहुँच गया हूँ। ये यहाँ पर ऊपर बस स्टॉप के ऊपर जो ये जगह है जहाँ 4 रिचार्ज में अपने घर जाता हूँ, ये वो ही जगह से मैं बस यहाँ पर भी एक खाली जगह पर मैं यहाँ आया हूँ। और काफ़ी मतलब बारिश है, तो थोड़ी सी बारिश हो रही है उसकी वजह से काफ़ी फ्रेश एयर आ जाएगा। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो नहीं सॉरी, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ प्लाजे में, तो थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगा।
तो दोस्तों मैं अभी वापस उसी जगह पर हूँ, ये जो एक रास्ता सा है जो मतलब बैक डोर है प्लाजे का, मतलब बैक डोर है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, शायद बारिश दिखती नहीं लेकिन आवाज़ आ रही होगी आपको खड़ी होगी गिरने की, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जो है तेज़ बारिश है। चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर देख सकते कि मैं अपने घर के पास वाला जो रूफ टॉप है मैं वहाँ पर हूँ, और काफ़ी मतलब ये ठंडक है, मतलब बहुत फ्रेश फील हो रहा है, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि सर्दियों में जो बारिश होती है उसमें बहुत फ्रेश फील होता है। ओबियसली अब जनवरी वाले महीने में मैंने जैसे को आपको पहले ही बताया कि बहुत रेयरली बारिश होती है, सर्दियों में तो बहुत रेयरली बारिश होती है, तो बहुत ही क्योंकि ज़्यादातर जो बारिश है वो सेप्टेम्बर अक्टूबर और अर्ली नवम्बर में हो सकती है, हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्च से वापस शुरू होती है। तो जनवरी में बारिश का होना बहुत ही रेयर बात है, और हो भी तो बहुत ही लाइक एक बहुत ही मॉडरेट और बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है, और ना ही इतनी सर्दी है और ना ही इतनी गर्मी, बहुत ही मॉडरेट है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। और जैसे कि आप वहाँ क्लाउड्स भी देख सकते हो, लाइक हवा है हर जगह। हर जगह हवा ही हवा है दोस्तों, क्लाउड बादल ही बादल हैं हर जगह। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो आज को जो है वो मेरा कॉलेज जो है वो वापस थोड़े मतलब शुरू हो गए थे, अभी अप्रैल तक तो चलेंगे ये जो दिन है कॉलेज के, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ मॉड्यूल्स स्टडी करने, तो इसलिए अभी वापस मुझे कॉलेज जाना पड़ा है। तो ओबियसली मुझे छः महीने तो मैं रेस्ट कर चुका हूँ, जून 2022 से लेकर अभी जनवरी 2023 तक 6 महीने में लगातार रेस्ट ही करता रहा हूँ कॉलेज से, क्योंकि छुट्टियाँ थी, तो अभी वापस शुरू हो गई। तो चलो मैं आपसे एक अगले ब्लॉग में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।